हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो CCS यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड है, तो इस वीडियो को फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से CCS यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चले गाइस, फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहली अपडेट बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोगों के फिल कराए जा रहे थे, तो बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो 10 अप्रैल रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट के राइट में सोचते हुए यूनिवर्सिटी ने इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है और अब जो लास्ट डेट तय की गई है वो 17 अप्रैल तय की गई है। तो जिन्होंने अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं किया है वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को टाइम रहते फिल जरूर कर दे। और सेशन 18-20 वाले स्टूडेंट और 19-21 वाले स्टूडेंट यहाँ पर अपने एक्स और इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि अभी केवल फर्स्ट ईयर के ही एग्जामिनेशन फॉर्म आए हैं, सेकंड ईयर के नहीं आए हैं। नेक्स्ट अपडेट है गाइस, बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। देखिए, बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, जो इस साल फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उनकी डेट शीट एग्जाम की पहले से जारी हो चुकी है। 12 अप्रैल से आप लोगों के एग्जाम है और एडमिट कार्ड भी आप लोगों के जारी हो चुके हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर किसी ने अभी तक अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो CCS यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों के लिए एग्जाम सेंटर की लिस्ट भी जारी कर दी गई है बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आप सभी अपने एग्जाम सेंटर की लिस्ट को CCS यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग टीचिंग और लर्निंग का इंस्टा फेसबुक का पेज है, वहां पर भी चेक कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइस MIB कोर्स के बारे में। तो देखिये, MIB कोर्स का जो एग्जाम 2 मार्च को कराया गया था, स्टूडेंट बोल रहे थे कि वो जो पेपर था वो आउट ऑफ द कोर्स था, आउट ऑफ द सिलेबस था। तो फिर इस पर यूनिवर्सिटी ने सोच विचार किया और उन्हें भी लगा कि हाँ, ये जो पेपर था वो आउट ऑफ द कोर्स था, आउट ऑफ द सिलेबस था। तो अब यूनिवर्सिटी ने वो 2 मार्च वाला जो आपका पेपर है वो दोबारा से कराने की व्यवस्था की है और ये पेपर आप लोगों का 11 अप्रैल को कराया जाएगा। तो आप सभी अपने इस एग्जाम में, इस पेपर में शामिल जरूर हो। और टाइमिंग गाइज आप लोगों की 10 से 11:30 रहेगी। एग्जाम सेंटर की बात कर ले तो एग्जाम सेंटर पुराने वाले ही होंगे जहां पर अपने आपने बाकी के पेपर्स दिए हैं। और गाइज आप लोग 11 तारीख को जाएं और इस पेपर को देकर अपने एग्जाम को कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट अपडेट गाइज, BAMS आयुर्वेदा से रिलेटेड है। BAMS आयुर्वेदा के एग्जाम 4 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन गाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर कुछ आप लोगों के एग्जाम की टाइमिंग में फेरबदल किया गया है। तो जो एग्जाम आपका, जो पेपर आपका 12 तारीख को है, उसका टाइमिंग बदल दिया गया है और उसके बाद आपके जितने भी पेपर कराए जाएंगे उनकी भी टाइमिंग बदल दी गई है। अब नई टाइमिंग आप लोगों की क्या रहेगी वो यहाँ पर मैं बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट शिफ्ट की टाइमिंग है नई, वो है 11 से लेकर 2 बजे तक की, और जो सेकंड शिफ्ट की नई टाइमिंग है वो 3 से लेकर 6 बजे तक की है। तो आप सभी अब आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे 12 और 12 के बाद वाले, उसको देने के लिए इस नए समय के अनुसार ही जाएं, पुराने समय के हिसाब से ना जाएं। तो गाइस, आज CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से यही अपडेट थी। अब आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।